हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल ऑस्कर मूवी एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट। जरा सोचो, अगर आपको जेल में रहने के लिए हर दिन 1,00,000 रुपए दिए जाएं। आज की मूवी की कहानी कुछ इसी तरह से है। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेविस नाम के आदमी से, जिसको बजट कट की वजह से कंपनी ने उसको काम से निकाल दिया था। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ एक धरने में गया। उसके दोस्त ने ट्रेविस को बताया वो खुद पर कॉलेज के अंदर एक्सपेरिमेंट करके पैसे कमाया करता था। अचानक वहाँ पर हाथापाई शुरू हो गई। एक फौजी ने एक खूबसूरत लड़की को जमीन पर गिरा दिया। ट्रेविस उस लड़की को काफी देर से देख रहा था। ट्रेविस ने गुस्से में आकर उस फौजी को मुक्का दिखाया, मगर मुक्का मारने की ट्रेविस के अंदर हिम्मत नहीं थी और पुलिस उस फौजी को ले गई और ट्रेविस ने उस लड़की को जमीन से उठाया और उस खूबसूरत लड़की का नाम आलिया है। शाम को ट्रेविस और आलिया एक बार के अंदर मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। आलिया ट्रेविस को बोलती है बस शहर के अंदर उसका आज आखिरी दिन है, इसके बाद वो हमेशा के लिए भारत चली जाएगी क्योंकि भारत उसको बहुत पसंद है। वो ट्रेविस को बोलती है क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मगर ट्रेविस उसको मना कर देता है। ट्रेविस आलिया को बोलता है तुम भारत जाओ, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। आलिया के साथ नहीं जाने के लिए ट्रेविस के पास में एक वजह थी, क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं थे। रात को ट्रेविस अपने रूम के अंदर बैठकर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और अचानक उसकी नजर एक ऐड पर पड़ी। उस ऐड के अंदर लिखा था कुछ लोगों की जरूरत है एक एक्सपेरिमेंट के लिए और रोज के $1,000 दिए जाएंगे। पैसों के चक्कर के अंदर ट्रेविस ने उसमें हिस्सा लेने का फैसला किया और अगले दिन ट्रेविस उस कंपनी की पहली मीटिंग के अंदर गया, जहां उसकी दोस्ती माइकल से हो गई और बेंजी से हो गई। फिर वहां एक्सपेरिमेंट का ऑडिशन शुरू होता है। फिर एक डॉक्टर वहाँ पर आए सभी लोगों को एक्सपेरिमेंट के रूल्स बताता है। उसने बोला हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आज तक कभी जेल नहीं गए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एक जेल के लिए है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उस डॉक्टर ने सबके फॉर्म भर लिए और सबके इंटरव्यू लिए, क्योंकि उस डॉक्टर को सिर्फ 26 जने चाहिए थे। ट्रेविस ने बताया उसका लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है और वो किसी धर्म को भी नहीं मानता। और माइकल ने बताया वो एक कंपनी के अंदर गार्ड था और चर्च से भी जुड़े हुआ है। इंटरव्यू के बाद में सभी लोगों को एक बंद कमरे के अंदर ले जाया गया। वहाँ पर उनको कुछ वीडियो कुछ तस्वीरें दिखाई गई। किसी वीडियो के अंदर बच्चे थे और किसी वीडियो के अंदर मारामारी थी। कुछ समय बाद ट्रेविस आलिया से मिलने जाता है। आलिया ट्रेविस को बोलती है वो जानती थी तुम उस फौजी को नहीं मारोगे और उन दोनों ने भारत के बारे में काफी बातें करी और ट्रेविस ने कहा एक्सपेरिमेंट के बाद वो भारत जरूर आएगा। ट्रेविस को एक्सपेरिमेंट के लिए चुन लिया गया और एक बस ट्रेविस को और दूसरे लोगों को लेने आ गई। जेल में जाते समय सभी लोग अपने प्यारे लम्हों को याद कर रहे थे। जब सभी लोग जेल के अंदर पहुंचे तो ड्राइवर ने बोला कोई भी अंदर बैग नहीं ले जाएगा। इस बात से बेंजी काफी परेशान हो गया। जेल के अंदर उन सभी लोगों को डॉक्टर ने बोला तुम आखिरी बार सोच सकते हो कि तुम्हें बाहर जाना है या अंदर रहना है। उसने बोला यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, अगर किसी ने करा तो एक्सपेरिमेंट बंद हो जाएगा। फिर उन्हीं 26 लोगों के अंदर 6 जनों को गार्ड बना दिया गया और 20 जनों को कैदी। गार्ड का काम था कोई भी चीज अंदर से बाहर नहीं जाएगी और बाहर से अंदर नहीं आएगी। इसके अलावा वहाँ पर 5 रूल्स और थे जिसे कैदियों को मानना पड़ेगा। पहला रूल था दिन में 3 बार खाना खाना पड़ेगा और पूरा खाना खत्म करना पड़ेगा और रोजाना 30 मिनट के लिए उन्हें बाहर आने की इजाजत थी और सारे कैदी अपने एरिया के अंदर ही रहेंगे और कोई किसी से बात नहीं करेगा और कोई भी कैदी किसी भी हालत के अंदर गार्ड को छू नहीं सकता और किसी ने भी अगर रूल्स तोड़ा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। और सबसे ज्यादा लफड़े वाली बात तो ये थी अगर कोई कैदी बीच के अंदर एक्सपेरिमेंट छोड़कर चला गया तो किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे और अगर किसी कैदी ने रूल्स तोड़ा तो गार्ड के पास उसको सजा देने के लिए सिर्फ 30 मिनट होंगे और अगर ऐसा नहीं किया तो लाल बत्ती जल जाएगी और एक्सपेरिमेंट वहीं बंद हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद में सभी गार्ड ने सभी कैदियों को अच्छी तरह नंगा करके नहलाया। बोश नाम के एक गार्ड को उन कैदियों पे तरस आ रहा था, मगर दूसरे गार्ड मजे ले रहे थे। और सभी कैदियों को नंबर से बुलाया जाएगा। ट्रेविस को बेंजी के साथ रखा गया और निक्स नाम का एक कैदी भी उनके साथ था। जेल के रूम से बाहर आने के बाद सभी कैदी बास्केटबॉल खेल रहे थे, मगर एक कैदी से बॉल बोश को लग गई। दूसरे गार्ड फौरन उस कैदी के पास आ गए और उसको साइड में ले गए, मगर बोश उन गार्ड्स को बोलता रहा इसने जानकर नहीं किया। मगर दूसरे गार्ड्स ने बोला रूल नंबर 5 टूट चुका है और अगर हमें एक्सपेरिमेंट चालू रखना है तो कैदी को सजा तो देनी पड़ेगी। उन गार्ड्स ने उस कैदी को 10 पुशअप करने के लिए बोला, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसने जानबूझकर बॉल नहीं फेंकी थी। लेकिन गार्ड्स ने सभी कैदियों को पुशअप करने के लिए बोला और गार्ड्स को
मजा आने लगा क्योंकि सभी कैदी उन गार्ड्स का हुक्म मान रहे थे। 30 मिनट के बाद भी लाल बत्ती नहीं जली तो गार्ड्स को यकीन हो गया कि उन्होंने सजा देकर बहुत अच्छा करा है। दूसरे दिन सभी कैदियों को बतर खाना दिया गया। निक्स ने तो सारा खाना खत्म कर दिया था मगर बाकी कैदियों के खाना गले नहीं उतर रहा था। गार्ड्स ने कैदियों को बोला, तुमको खाना तो खाना पड़ेगा क्योंकि तुम रूल्स नहीं तोड़ सकते। इसी बात पर ट्रेविस को गुस्सा आ गया और उसने सारा खाना गार्ड्स के हाथ पर गिरा दिया। गार्ड्स ने सभी कैदियों को फिर सजा देने की सोची मगर सभी कैदियों ने गार्ड्स पर खाना फेंकना शुरू कर दिया। फिर गार्ड्स इन कैदियों के बारे में कुछ बातचीत करते हैं तो उनमें से एक गार्ड्स ने बोला, ये कैदियों ने इसलिए करा क्योंकि हम उनको मार तो सकते नहीं। फिर माइकल ने बोला, कैदियों की हिम्मत तोड़ने के लिए उन्हें मारना जरूरी नहीं है। फिर सभी गार्ड कैदियों की सेल्स में गए। फिर आग बुझाने वाला धुआं उनके मुंह पर मारा। माइकल ने ट्रेविस को बाहर निकालकर उसके हाथ दरवाजे से बांध दिए। अब माइकल को एहसास हो रहा था ताकत का नशा कितना गजब होता है। और रात को बेंजी की तबीयत अचानक खराब हो गई क्योंकि उसको सही ढंग से खाना नहीं मिला था। तीसरे दिन माइकल ने सभी कैदियों को रूल्स फॉलो करने के लिए बोला लेकिन बेंजी अभी तक नहीं उठा था। इस बात पे माइकल को गुस्सा आ गया। माइकल ने डायरी के अंदर देखा तो पता पड़ा है कि बेंजी को तो डायबिटीज है। इसके बाद भी गार्ड्स जबरदस्ती बेंजी को उठाकर बाहर ले जा रहे थे। ट्रेविस बेंजी की मदद करने के लिए गार्ड्स के सामने आ गया और ये बात माइकल को अच्छी नहीं लगी और उसने अपना डंडा निकाल लिया। और ट्रेविस ने माइकल को याद दिलाया, मारा मारी होते के साथ ही सब पैसों से हाथ धो बैठेंगे। उसके बाद गार्ड ने सारे कैदियों को अपने अपने सेल्स में धकेल दिया। बातचीत के दौरान ट्रेविस ने निक्स को बोला कि मैं जानता हूँ तुम पहले भी जेल आए हुए हो। इस बात पर निक्स ने ट्रेविस को धमकाते हुए बोला कि राज को राज बने रहने दो। निक्स ने ट्रेविस को एक सलाह दी कि इन गार्ड्स से मत भिड़ना क्योंकि इन गार्ड्स की हरकत बिल्कुल असली जेल के गार्ड जैसी है। उधर गार्ड्स ने भी कैदियों को डराने के लिए तरकीब निकाल ली। वो ट्रेविस को निकाल कर बाहर लेकर आए और कुर्सी से बांध कर उसको गंजा कर दिया। फिर भी ट्रेविस उनकी बेइज्जती करता रहा। फिर गुस्से में माइकल ने ट्रेविस के लात मारी और उस पर पेशाब करने लगा। बॉश को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मगर बाकी गार्ड्स माइकल के साथ जुड़ गए। फिर कुछ देर बाद लाल बत्ती नहीं जली तो माइकल और सभी गार्ड्स बहुत खुश होने लगे और बोलने लगे, ये सजा बिल्कुल सही है। बॉश ने माइकल को बोला, अगर फिर से ऐसा हुआ तो ये एक्सपेरिमेंट छोड़ के वो चला जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेविस उठकर अपनी सेल्स में चला गया। चौथे दिन ट्रेविस खाना खा रहा था मगर उसने एक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा चुरा लिया और वो ब्रेड का टुकड़ा बेंजी के लिए लेकर आया। मगर बेंजी ने ट्रेविस को बोला कि मुझे ब्रेड का टुकड़ा नहीं चाहिए, मुझे मेरी दवाई चाहिए और मैंने इंटरव्यू के अंदर झूठ बोला था कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। ट्रेविस ने बेंजी को बोला कि मैं सारी बात गार्ड्स को बता दूं मगर बेंजी ने बिल्कुल मना कर दिया बताने से। रात को जब बॉश बेंजी का हालचाल पूछने आया तो ट्रेविस ने कुछ पैसों का लालच देकर बेंजी की दवाई लाने को कहा मगर बॉश ने साफ मना कर दिया। मगर कुछ देर बाद बॉश बिना पैसों के ही दवाई लाने को तैयार हो गया और वो बेंजी की दवाई लेकर आ गया। मगर एक गार्ड ने बॉश को दवाई लाते हुए देख लिया और उसने माइकल को बता दिया और माइकल ने सारी दवाई छीन ली और सब सच कहने को कहा और दवाई लेकर माइकल बेंजी के पास गया और बेंजी को दवाई दे दी। मगर ट्रेविस को निकाल कर बाथरूम में लेकर आ गए गार्ड। फिर माइकल भी बाथरूम के अंदर गया क्योंकि ट्रेविस को सबक सिखा सके। माइकल ने ट्रेविस को बोला, पैसे मिले तो अपना दिमाग का इलाज जरूर करा लेना। फिर गार्ड्स ने ट्रेविस का मुंह टॉयलेट के अंदर डाल दिया मगर ट्रेविस कहां मानने वाला था, वो गार्ड की बेइज्जती करता रहा। थोड़ी देर बाद ट्रेविस की हिम्मत टूट गई और उसने हार मान ली। फिर ट्रेविस उठकर अपने सेल्स के अंदर गया और वहां पर फूट फूट कर रोने लगा। दूसरी तरफ गार्ड ने बॉश को पकड़ लिया और एक सुनसान कमरे में ले गए और उसको खूब मारने लगे। पांचवा दिन बेंजी अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करने लगा। फिर माइकल ने आके सभी कैदियों को बताया, अब बॉश तुम्हारे साथ रहेगा कैदी बनकर क्योंकि बॉश ने रूल्स तोड़े थे। मगर अब माइकल की तानाशाही से तंग आकर ट्रेविस ने अपनी शर्ट उतार दी और बाकी कैदियों ने भी ऐसा ही किया। फिर ट्रेविस दरवाजे पर चढ़कर कैमरे की तरफ देख के बोला, दरवाजा खोलो। फिर माइकल ने घसीटकर ट्रेविस को नीचे पटक दिया और उसका गला दबाने लगा मगर बेंजी ने अपने दोस्त को बचाने के चक्कर के अंदर माइकल पर वार कर दिया। फिर माइकल को जबरदस्त गुस्सा आ गया और उसने डंडा उठाकर बेंजी के सर पर मार दिया जिससे बेंजी नीचे गिर गया और उसके सर से खून आने लगा। और माइकल ने सभी कैदियों को अलग अलग सेल के अंदर बंद करा दिया। ट्रेविस को कैदियों को भड़काने के लिए एक पाइप के अंदर बंद कर दिया गया मगर उनमें से एक गार्ड को भी माइकल की तानाशाही बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसने कैमरे के सामने आकर दरवाजा खोलने की मांग करी लेकिन उस पागल माइकल ने उस गार्ड से कहा कि देखो लाल बत्ती नहीं जली है यानी सब ठीक है। अगले छठे दिन ट्रेविस ने दिमाग लगाकर अपने ब्रेसलेट से पाइप का दरवाजा खोल दिया। ट्रेविस ने चाबियां चुराई और सारे कैदियों को रिहा कर दिया मगर बेंजी के सर पर लगी चोट की वजह से बेंजी अब उनके बीच नहीं रहा था। अब कैदियों के सब्र का बांध टूट चुका था और वो गार्ड्स पर हमला करने के लिए निकल पड़े और डर के मारे सभी गार्ड्स बाहर की तरफ भागने लगे मगर दरवाजा तो बाहर से बंद था। और सारे कैदियों ने सारे गार्ड्स को पकड़ लिया और उनको खूब
मारा पकड़ पकड़ के धोया और माइकल ने ट्रेविस पर चाकू से हमला कर दिया, मगर ट्रेविस ने चाकू की तीखी धार को अपने हाथ से पकड़ लिया और ट्रेविस ने माइकल को पकड़ पकड़ कर खूब धोया। और फिर थोड़ी देर बाद लाल बत्ती जल गई और सभी दरवाजे खुल गए। फिर एक बस उन सभी को लेकर चली गई और सभी की जेब के अंदर एक बड़ी रकम वाला चेक था। और कुछ दिनों बाद एक्सपेरिमेंट की खबर पूरे शहर के अंदर फैल गई और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। और आखिरकार ट्रेविस आलिया से मिलने माई इंडिया पहुंच गया और दोनों ने शादी कर ली। इसी के साथ दोस्तों ये शानदार मूवी एंड होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।